हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी इंग्लिश। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे घटना चक्र के बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक का। तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या एक सिस्टम है? टैक्सोनॉमी इज अ सिस्टम फॉर नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, स्पेशली किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो कि सिमिलर क्वालिटीज बिलोंग करते हैं। ठीक है, कार्लोस लिनियस ने 1707 से 1778 में इन्होंने ये नेमिंग किया था एंड ऑर्गेनाइज किए थे प्लांट्स एंड एनिमल्स के। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, एंड जो मॉडर्न नेमिंग किए गए थे, जो एडॉप्टेड हैं, वो किसने किए थे? विटेकर ने 1969 में किए हैं। तो विटेकर द्वारा जो किया गया है क्लासिफिकेशन, वो एडॉप्टेड हैं, जो कि मोस्ट यूज होते हैं 1969 में। तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट हैव सो फार नॉन found and identified a large number of species in the plants and animals kingdom। तो biologist ने क्या found किए थे कि जो सबसे large number कौन से है plants and animal kingdom में? In terms of numbers के term में सबसे largest found and identified so far is from among, तो इनमें से कौन से हैं जो कि number के in terms में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इंसेक्ट्स का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑल इंसेक्ट्स बिलोंग टू द ग्रुप इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो हैं किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? इंसेक्टा, विच इज अ क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। जो कार्लोस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किए थे वो किस पार्ट में किए थे? पांच पार्ट में। क्या क्या था वो? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगाई था। तो इसी तरह इन्होंने 5 पार्ट्स में उन्होंने क्लासिफिकेशन किए थे। आर्थ्रोपोडा था, आर्थ्रोपोडा। तो इंसेक्ट्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। तो इंसेक्ट्स क्या हैं? लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। ओवर 1.5 मिलियन लिविंग एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो जिसमें कि 1 मिलियन क्या है? इंसेक्ट्स हैं। 1.5 मिलियन एनिमल स्पीसीज में 1 मिलियन अप्रॉक्स क्या है? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय। बैक्टीरिया किससे सीन कर सकते हैं? नेक्ड आई से क्या सीन होते हैं? नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा हमारा बैक्टीरिया सीन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ है? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये नहीं सीन किया जा सकते, ना ही हैंड लेंस से। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर अ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर जस्ट 2 to 4 माइक्रोन साइज में होते हैं, और कुछ जो है 60 माइक्रोन के साइज में। तो कुछ बैक्टीरिया 2 to 4 माइक्रोन साइज होते हैं और कुछ बैक्टीरिया 60 माइक्रोन के होते हैं। तो सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कुछ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा सीन किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज इट कैन मैग्नीफाई कोई भी ऑब्जेक्ट्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? 1500 से 2000 times वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलते हैं? एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। हमारा एसर्शन क्या बोलता है कि सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ओके, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। रीजन क्या बोल रहे हैं कि दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्या बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? नहीं, बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, वो ग्रीन लीफ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो क्या दोनों ट्रू है? नहीं, ये हमारा गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जब हमारा रीजन ही गलत है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहे हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हमारा ए तो सही है कि कुछ बैक्टीरिया क्या है अपना भोजन खुद बना सकते हैं, बट रीजन सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसर्शन सही है हमारा, रीजन गलत है। ओके तो देखते हैं कि देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि क्या क्या है बैक्टीरिया के बारे में। तो सम कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स से डिपेंड करते हैं। जैसे कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के या प्लांट्स पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं। तो मोस्ट हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर सैप्रोब्स। क्या होते हैं, दे एब्जॉर्ब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक रॉटिंग फ्लेश। ओके सम ऑफ दिस पैरासाइटिक बैक्टीरिया किल दियर होस्ट वाइल हेल्प दियर होस्ट। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया की अपने होस्ट जिस पे वो डिपेंड करते हैं उसको किल कर देते हैं या उस अपने होस्ट को हेल्प करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेक देयर ऑन फूड बाय इधर बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करते हैं, और बाय कीमोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड केमिकल्स लाइक अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। कीमोसिंथेसिस में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड केमिकल्स जैसे कि अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड भोजन बनाने में वो यूज करते हैं। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमारा रीजन गलत हो गया था। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट अकर इन वेरियस फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट। तो हमारा कौन सा, पहले देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बैक्टीरिया जो है बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग है, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या वो प्लांट्स या एनिमल्स के बॉर्डर लाइन पे हैं, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन तीनों में से हमारा कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, तो क्या है, नन ऑफ द एवव हमारा करेक्ट आंसर है। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, और ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, ठीक है। उसका बैक्टीरिया के जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल देन अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जिसमें कि नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें ना ही न्यूक्लियस होते हैं ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया एक यूनिवर्सल है जो कि हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो कि हमें डिजीज जिससे कि हमें डिजीज होता है, बीमार पड़ते हैं। और कुछ बैक्टीरिया को क्या होते हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें हेल्प करते हैं फॉर विटामिन लाइक बायोटीन एंड विटामिन के। ओके और एंड ये क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी सोर्स फॉर सम ऑफ दीज, कुछ ये जैसे सोर्स हैं विटामिन न्यूट्रिएंट्स के, तो ये हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो कि कैपेबल होते हैं खुद के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्म। वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सी क्या है, हमारा एसर्शन क्या बोल रहे हैं कि अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फ्यूजन। अमीबा क्या है, फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहे हैं, ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। क्या और सारे यूनिसेल्युलर जो हैं वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम देखते हैं पहला हमारा ऑप्शन क्या है, ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी, ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। ए करेक्ट है और रीजन हमारा रॉन्ग है, ए इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है,
रीजन एसर्शन भी हमारा सही है और रीजन भी सही है, और क्या है कि रीजन क्या है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे ए का, कि एमीबा जो है वो फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये एमीबा क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं कि वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एमीबा क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसके की एबिलिटी होता है कि अपने शेप को वो एल्टर कर सके, वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं या तो एक्सटेंड करके या रिट्रैक्टिंग स्यूडोपोड्स, ठीक है। एमीबा रिप्रोड्यूस किससे करते हैं फ्यूजन के द्वारा कर सकते हैं। बाइनरी फ्यूजन क्या होते हैं एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रैक्टिस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल क्या करते हैं डिवाइड होते हैं, जैसे ये पेरेंट सेल है ये डिवाइड होकर टू डॉटर सेल में वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स ओनली। कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होते हैं कि वो बोथ मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि हमारा कंसिडर द फॉलोइंग। हमारा पहला है बैक्टीरिया फंगाई एंड वायरस। तो विच ऑफ द एबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। तो इनमें से कौन जो है कि आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम से कल्चर हो सकते हैं। तो हमारा क्या है वन एंड टू बैक्टीरिया एंड फंगी एंड टू एंड थ्री फंगाई एंड वायरस, वन एंड थ्री बैक्टीरिया एंड वायरस एंड तीनों या तीनों। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया एंड फंगाई क्या है कि सिंथेसाइज सिंथेटिक मीडियम होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। कुछ क्या है ग्रोन क्या होते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया जैसे कि न्यूट्रिएंट एगर एंड डेक्सट्रोज एगर, ठीक है, टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन सीन विथ नेक्ड आइज। वायरस क्या होते हैं कि होस्ट सेल रिक्वायर करते हैं फॉर रिप्लिकेशन, दे कैन नॉट बी वायरस क्या होते हैं वो कल्चर नहीं हो सकते आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में क्योंकि इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होते हैं खुद के, ड्यू टू लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक नहीं हो सकते कल्चर, ठीक है। वायरस कैन बी ग्रोन इन विवो विद इन ए होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है कि होल लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट और एनिमल में ग्रोन होते हैं और इन विट्रो आउटसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सेल्स इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कौन से होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर दोज व्हिच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं लोअर देन इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से वो अपने बॉडी का टेम्परेचर लोअर रखते हैं या इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से हाई रखते हैं या वो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या है हमेशा कांस्टेंट रखते हैं या इक्वल टू द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि हमारे अगर बाहर के टेम्परेचर में हीट ज़्यादा है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को लो कर लेते हैं एंड अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेंगे। जैसे कि वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स लाइक जैसे कि इसमें क्या क्या आते हैं मैमल्स और बर्ड्स के पास ये एबिलिटी होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें। वो क्या करते हैं वो खुद अपने बॉडी से खुद जनरेट करते हैं अपना हीट एंड जैसे कि वो कूलर इन्वायरमेंट में तो अपने बॉडी में खुद जनरेट करते हैं एंड खुद को कूल करते हैं जब वो हॉटर इन्वायरमेंट में होते हैं और ये प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी ये क्या होते हैं होम्योस्टेसिस बोले जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस राउंड वर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन बोनी फिशेस स्विम ब्लेडर इज यूजुअली प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनियस फिशेस
फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसमें से हमारा कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट? हमारा स्टेटमेंट जो पहला ऑप्शन नंबर ए, ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? कि इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? ये इकाइनोडर्म कॉमन नेम है, किसके हैं, जो कि फाइलम है, फाइलम इकाइनोडर्माटा ऑफ मैराइन एनिमल्स। इकाइनोडर्म इज अ कॉमन नेम गिवन टू एनी मेंबर ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्माटा ऑफ मैराइन एनिमल्स, ठीक है। तो एडल्ट्स कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं? उसके पास यूजुअली 5 पॉइंट होते हैं जो कि रेडियल सिमेट्री होते हैं एंड इंक्लूड सच वेल नॉन एनिमल्स आर। तो वैसे एनिमल्स कौन कौन से हैं हमारे? स्टार फिश, सी अर्काइंस एंड सैंड डॉलर्स एंड सी कुकुम्बर्स, ये सारे क्या हैं? फाइलम इकाइनोडर्माटा डर्माटा से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा जो इस फाइलम से बिलोंग करते हैं, मोस्टली क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, बट कुछ जो होते हैं, कुछ क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि कुछ ओविपेरस भी हो सकते हैं और कुछ विविपेरस भी हो सकते हैं। ओविपेरस एनिमल्स क्या करते हैं? वो एग ले करते हैं, ठीक है। ओविपेरस एनिमल्स जो हैं एग ले करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रिस्पायर्स। तो इसमें से हमारा कौन सा क्रिएचर ऐसा है जिसके पास कि ब्लड नहीं होते हैं बट वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, बी कॉकरोच, फिश ऑप्शन नंबर डी है, एंड सी अर्थवर्म। तो हाँ, इसमें किसके पास ब्लड नहीं होता है? तो हमारा हाइड्रा के पास ब्लड नहीं होता है बट वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा के पास ब्लड नहीं है बट रिस्पायर करते हैं। हाइड्रा में जैसे गैसियस जो एक्सचेंज होते हैं एंड एक्सक्रीशन, ये दोनों प्रोसेस किसके द्वारा होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं, ठीक है। कॉकरोच में वाइट ब्लड पाए जाते हैं, जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश। इट्स इन गिवन ऑप्शन में कौन से फिश नहीं है, ठीक है। तो हमारा स्टार फिश है, सॉ फिश है, ऑप्शन नंबर डी गिटार फिश है, ऑप्शन नंबर सी पाइप फिश है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से कौन फिश नहीं है? तो हमारा स्टार फिश है। नेम तो स्टार फिश है बट ये एक्चुअल फिश नहीं होते हैं। स्टार फिश क्या होते हैं? ये सी स्टार के नाम से भी फेमस होते हैं, पॉपुलरली इसे सी स्टार के नेम से भी जानते हैं। और ये किस फाइलम से रिलेट करते हैं? फाइलम इकाइनोडर्माटा, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा कि ये फाइलम इकाइनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं और ये ट्रू फिश नहीं होते हैं। मतलब और जो ट्रू फिश होते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? कॉर्डाटा, ठीक है। जितने भी सारे ट्रू फिश होंगे, जो एक्चुअल में फिश होंगे, वो कॉर्डाटा फाइलम से बिलोंग करेंगे। और जैसे कि स्टार फिश है, ये फाइलम इकाइनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं, ये ट्रू फिश नहीं है। स्टार फिश डू नॉट, इनके स्टार फिश के पास गिल्स नहीं होते हैं, जैसे जो फिन्स होते हैं और स्केल्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं, जो कि क्या है, फिशेस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो क्योंकि ये ट्रू फिश नहीं है इसलिए इसमें वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए ट्रू फिश। अभी हमने देखा कि कौन से ट्रू फिश नहीं हैं, तो इसमें क्या हमारा देखना है कि कौन से ट्रू फिश हैं। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर फिश, क्रे फिश एंड जेली फिश, और क्या है लास्ट में कैट फिश। तो क्या है कैट फिश क्या है हमारा? ट्रू फिश है, क्योंकि इसमें जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिश के वो पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कि इसमें सिल्वर फिश क्या होते हैं। सिल्वर फिश क्या होते हैं? नॉक्ट्यूरनल इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेम द फिश है बट ये इंसेक्ट्स होते हैं, जिसका कि 0.5 से 1 इंच के साइज होते हैं। इनके जो एब्डोमेंस होते हैं वो क्या होते हैं? टैपर एट द एंड, जो कि फिश के लुक जैसा होता है, जिससे कि उसका अपीयरेंस क्या होता है? फिश के जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रे लाइन, ग्रेइस ब्लू और मेटेलिक साइन होता है जब वो ओल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू फिश नहीं है। क्रे फिश क्या होते हैं? क्रे फिश को क्रॉ फिश के भी नेम से जानते हैं, ठीक है, या क्रॉडेट्स और मड बग्स भी बोलते हैं। एंड क्या होते हैं? फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस जो होते हैं, रिसेंबलिंग स्मॉल लॉबस्टर, ओके, जिससे कि ये टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? मेंबर जो होते हैं, किसके मेंबर होते हैं? सुपर फैमिली एस्टास्कोइडिया के
मेंबर होते हैं। जेलीफिश क्या होते हैं? ऑरेलिया होते हैं। जेलीफिश को ऑरेलिया के नेम से जानते हैं और ये क्लासिफाइड के हैं फ्री स्विमिंग मेराइन एनिमल्स में क्लासिफाइड हैं, जो कि जिलेटेनियस अम्ब्रेला सेप्ड बेल कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और कैटफिश जो कि ट्रू फिश है, ये ऑर्डर सिलूरी फॉर्म्स होते हैं जो कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ रे फिंड फिश के डाइवर्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। फिर हमें देखा है कि कौन से इसमें ट्रू फिश हैं, तो हमने अभी देखा जेली फिश, स्टार फिश, हैग फिश, ये तो सारे जेली फिश हमने देखा भी ट्रू फिश नहीं है, स्टार फिश भी ट्रू फिश नहीं है, हैग फिश भी ट्रू फिश नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी हॉर्स क्या है, ट्रू फिश होते हैं। स्टार फिश और सी स्टार्स क्या होते हैं, स्टार शेप्ड इकाइनोडर्म्स बिलोंगिंग होते हैं, जो कि एस्टेरॉइडिया क्लास के बिलोंग करते हैं, ठीक है। जेली फिश स्नाइडेरिया एंड हैग फिश साइक्लोस्टोमाटा, ये सारे क्या है, ट्रू फिश नहीं हैं। और सी हॉर्स जो हैं 45 स्पेसीज ऑफ स्मॉल मेराइन फिश का नेम किए गए हैं, जैसे कि जो क्या है जीनस हिप्पोकैम्पस, क्या है, ये बोनी फिश होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। अभी हमने देखा कि कौन कौन से फिश हैं, इसमें देखना है कि कौन से फिश हैं ट्रू। तो जैसे सी कुकुम्बर, हमने देखा कि इकाइनोडर्माटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, सी कॉबी एंड सी लाइन भी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी हॉर्स हमने अभी देखा कि बोनी फिश होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी हॉर्स। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क फिश। शार्क फिश में कितने बोन्स पाए जाते हैं, तो जीरो, ये बोनी फिश नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शार्क फिश कोई भी बोन कंटेन नहीं करते हैं। एंड शार्क्स और क्या है, अदर कार्टिलेजिनियस फिश क्या होते हैं, किस क्या होते हैं, स्केट्स एंड रेज क्या होते हैं, उसके स्केल्टन्स क्या होते हैं, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल। हमारे अर्थ पे लार्जेस्ट मैमल कौन से हैं, तो वेल, अफ्रीकन एलिफेंट, पोलर बियर, हिप्पोपोटामस। तो हमारे लार्जेस्ट मैमल्स क्या हैं, वेल है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेल। वेल्स क्या लार्जेस्ट मैमल हैं अभी तक के सबसे नोन में हमारे अर्थ पे। वेल्स के साइज क्या होते हैं, जो कि ब्लू वेल्स हैं जो लार्जेस्ट एनिमल हैं अभी तक के एग्जिस्ट, 33 मीटर एंड मोर देन 180 टन्स टू पाइगेमी स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि पाइगेमी स्पर्म वेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3.5 मीटर, जो कि 11 फीट होते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेल्स आर द लार्जेस्ट मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा भी, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 देखा था, 16 देखा था, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द वेल बिलोंग्स। तो वेल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अभी हमने देखा कि सबसे लार्जेस्ट मैमल्स होते हैं वेल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैमल्स, वेल क्या है, मैमल्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ मैमल। तो इसमें से कौन से मैमल्स है, शार्क, स्क्विड, वेल एंड ऑक्टोपस। तो ये सारे क्या हैं, इसमें से हमारे वेल जो है वो हमारे मैमल्स है, अभी हमने देखा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ्ड वेल्स। टूथ्ड वेल्स में सबसे लार्जेस्ट कौन है, फिनबैक वेल, हमबैक वेल एंड स्पर्म वेल एंड ब्लू वेल, ठीक है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्पर्म वेल जो है सबसे लार्जेस्ट स्पेसीज हैं। टूथ वेल में जो है सबसे लार्जेस्ट कौन से है, स्पर्म वेल, जिसको कि अभी हमने देखा 11 फीट, ठीक है।
जो स्पर्म वेल होते हैं ये क्या है 20 मीटर्स तक ग्रो करते हैं लेंथ में, एंड जो मास होते हैं स्पर्म वेल्स के वो कितने रेंज में होते हैं 35 to 45 टन्स के रेंज में बिलोंग करते हैं, ठीक है। फीमेल्स का जो वे होता है ओनली 1/3 ऑफ द मेल मेल्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलते हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। तो इसमें से कौन से हैं कि ले जो है एग ले करते हैं जो कि डायरेक्ट यंग वंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो इकाइटना और ऑप्शन नंबर बी कंगारू। कंगारू क्या करते हैं यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, वेल भी हमारा मैमल्स है तो वे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, पॉर्क्यूपाइन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इकाइडना, ठीक है। वो क्या होते हैं एग ले करते हैं। इकाइडन्स को हम लोग समटाइम्स ये स्पाइनी एनिटेटर्स के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। बिलोंग टू कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, टैकीग्लोसिडे से फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या है और एग लेइंग मैमल्स हैं ये। द फोर एक्सटेंट स्पेसीज टुगेदर विद द प्लैटिपस आर द ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्डर। ये जो है प्लैटिपस जो है वो ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स हैं एंड जो कि ओनली लिविंग मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं। इसके डाइट क्या होते हैं, एंट्स होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, बट दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड विथ ट्रू एंटीएटर्स। ये ट्रू एंटीएटर से रिलेटेड नहीं होते हैं, अमेरिका के ट्रू एंटीएटर से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये कहाँ लिव करते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर। मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज, जो मैमल जो है कैपेबल होते हैं फ्लाइंग में हमारा कौन से हैं। ऑस्ट्रिच तो फ्लाई नहीं करते, जैगुअर नहीं फ्लाई करते, पेलिकन भी फ्लाई नहीं करते। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैट। बैट जो है मैमल्स हैं बट वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। और ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये तो कायरोप्टेरा जो कि फोर लिम्स होते हैं और इसके क्या होते हैं वेव्ड विंग्स होते हैं जो कि नेचुरली मेकिंग देम मैमल्स नेचुरली कैपेबल ऑफ ट्रू एंड सस्टेंड फ्लाइट, ठीक है। ये नेचुरली इनको कैपेबल बनाते हैं और ये एप्स ग्रुप से नहीं बिलोंग करते। बैट क्या है, बर्ड से ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, ये मैमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलते हैं, अमंग द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एप्स, जो कि कौन से इसमें से ग्रुप एप्स से बिलोंग नहीं करते। तो बैट हमने अभी देखा कि बैट क्या है एप्स ग्रुप से नहीं बिलोंग करते। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रॉ भी हमारा बर्ड्स में है बिलोंग करते हैं, पैरोट बर्ड्स में बिलोंग करते हैं एंड हमारा ईगल भी बर्ड्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी हॉर्स एंड सी लायन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैमल्स एंड मैमल्स, तो इसमें से कौन से मैमल हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है सी कॉ क्या है वो मैमल होते हैं एंड सी लायन ये दोनों 1 and 3 हमारा मैमल्स हैं, तो सी हॉर्स तो हमने देखा फिश हैं तो ये गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी, ओके। सी कॉ क्या है एक ह्यूज हर्बीवोर सी मैमल हैं, सी कॉ क्या है सी मैमल हैं और सी हॉर्स से स्मॉल स्पेसीज ऑफ पीसेस ये मछली के स्मॉल स्पेसीज हैं और सी लायन क्या है वो भी एक मैमल है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन, डॉल्फिन्स किस में क्लासिफाइड हैं, फिश में हैं, रेप्टाइल में हैं, एम्फीबियंस में हैं या मैमल्स में। तो डॉल्फिन्स क्या हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैमल्स में क्लासिफाइड हैं। डॉल्फिन्स क्या है हाईली इंटेलिजेंट एक्वेटिक मैमल हैं, डॉल्फिन्स को माना जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट एक्वेटिक मैमल्स हैं एंड क्या है टूथ्ड व्हेल्स फैमिली के पार्ट हैं और ये कहाँ वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, ये मोस्टली जैसे कि सैलो सी ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्स में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है।
मोस्टली ईटिंग फिश एंड स्क्विड, ज़्यादा क्या खाते हैं, फिश खाते हैं और स्क्विड खाते हैं। इंडिया हैज़ डिक्लेयर गंगा डॉल्फिन को क्या है, नेशनल एक्वेटिक, इंडिया ने गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज द स्पेसीज ऑफ, सील क्या है, कौन से स्पेसीज हैं, फिश के हैं, बर्ड के हैं, मैमल के हैं या रेप्टाइल्स के। तुम्हारा करेक्ट आंसर है सील भी क्या है, मैमल्स स्पेसीज के हैं। ठीक है, सील क्या है, सेमी एक्वेटिक मैमल्स हैं, ये फुल एक्वेटिक मैमल्स नहीं है बट सेमी एक्वेटिक मैमल्स। और ये क्या बोलते हैं, ग्रुप में ये क्या कहलाते हैं, पिनिपेड्स मीन्स फिन फूड। ओके, और सारे सील्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। द उसके डाइट क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फिश होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं एंड सेल फिश होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबिया आर, एम्फीबिया के बारे में देखते हैं, एम्फीबिया क्या बोलते हैं, एम्फीबिया क्या होते हैं, तो वेरी फास्ट मूविंग बोट्स। एम्फीबिया क्या बोट्स होते हैं, नहीं, एनिमल्स आर लिविंग, एनिमल्स लिविंग इन वाटर ओनली, जो क्या वाटर में सिर्फ प्रेजेंट लिव करते हैं, क्या वो एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबिया नहीं, जो कि वाटर और लैंड पे बहुत प्रेजेंट होते हैं, लिव करते हैं, वो क्या होते हैं, एम्फीबिया होते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ, जो कि लैंड पे भी लिव कर सकते हैं एंड वाटर में भी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर विच ऑर्गेनिज्म एमोंग दीज ब्रेथ्स फ्रॉम स्किन। ठीक है, तो कौन से ऑर्गेनिज्म स्किन से ब्रेथ करते हैं, तो फिश किससे ब्रेथ करते हैं, गिल्स से, पिजन और कॉकरोच। तो ये हमारा स्किन से क्या है, फ्रॉग जो है स्किन से ब्रेथ करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन क्रिएचर है। फ्रॉग जो है पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, जो कि वाटर एंड लैंड बोथ पे भी रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, एम्फीबियन क्रिएचर हैं। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो कि हु ऑफन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। फ्रॉग्स का जो स्किन होता है वो क्या, थिन मेम्ब्रेनियस टिश्यू से बना, मतलब कंपोज होते हैं, जो कि क्वाइट परमिएबल टू वाटर। ठीक है, वो वाटर को भी परमिएट कर सकता है एंड कंटेंस ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, तो थिन मेम्ब्रेनियस स्किन अलाउ करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को, ठीक है, जो रेडिली डिफ्यूज करते हैं डायरेक्टली डाउन देयर ग्रेडियंट्स बिटवीन ब्लड वेसल एंड सराउंडिंग्स। और जब फ्रॉग क्या होते हैं कि पानी के बाहर होते हैं, तो जो म्यूकस ग्लैंड स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग के जो स्किन पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हेल्प करते हैं ऑक्सीजन जो एयर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, फ्रॉग के एम्फीबियंस होते हैं, जो कि स्किन और लंग्स से बोथ से वो ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, फ्रॉग्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो ये तो हमारा सही है, करेक्ट है, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, जब फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस होता है तो क्या होता है। ठीक है, हिंड लेग्स डिसअपीयर, क्या हिंड लेग जो होते हैं वो डिसअपीयर होते हैं, इंजेशन ऑफ फूड इज स्लोड डाउन, स्किन बिकम्स रफ, इंटेस्टाइन इज शॉर्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेस्टाइन क्या होते हैं, फ्रॉग के शॉर्टन हो जाते हैं। ओके, मेटामॉर्फोसिस क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एनिमल जो है फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग, और ये इन्वॉल्व क्या करते हैं, कॉन्सिपीसियस एंड रिलेटिवली अब्रप्ट चेंज इन द एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि एनिमल जो फिजिकली डेवलप होता है उसके बर्थ के बाद या हैचिंग के बाद। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स क्या कंट्रोल करते हैं, रीमॉडलिंग ऑफ द टैडपोल, जो टैडपोल के जो रीमॉडल होते हैं वो थायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं,
टैडपोल के जो क्या है इंटेस्टाइन जैसे क्लाइमेक्स ऑफ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग इंटेस्टाइन क्या होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं इन लेंथ एंड जो कि डाइजेस्ट हेल्प करते हैं डाइजेशन में फ्लैश फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं गैवियलिस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन। तो गैवियलिस क्रोकोडाइल हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक गंगा में गैवियलिस क्रोकोडाइल जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके घड़ियाल घड़ियाल क्या है घड़ियाल भी एक गैवियलिस के नेम से जाने जाते हैं वो क्या है क्रोकोडिलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। गैवियलिडेज क्या है मोस्टली फाउंड इन ये ज़्यादा गंगा रिवर में पाए जाते हैं और लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल जो है ज़्यादा पॉपुलेशन घड़ियाल का कहाँ पाया जाता है बांग्लादेश नेपाल एंड इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर था क्या था घड़ियाल ऑप्शन नंबर ए क्रोकोडाइल सॉरी ऑप्शन नंबर ए गंगा में पाए जाते हैं क्रोकोडाइल। ठीक है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलते हैं विच इज एन एट्रोसियस एनिमल। इसमें से कौन से हैं जो एट्रोसियस एनिमल हैं तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओटर। ओटर क्या है एट्रोसियस एनिमल हैं। ठीक है ओटर्स किसे बोलते हैं जो ऑटर्स को क्या बोल सकते हैं कि ये मर्डरर्स नेक्रोफिलिक एक्वा वेसल्स बोलते हैं। ठीक है ऑटर्स सिक मैमल्स ऑफ सब फैमिली ल्यूट्रिने। ठीक है ल्यूट्रिने के सब फैमिली होते हैं वन ऑफ टू सब फैमिलीज कंटेन विद इन फैमिली मस्टेलिडाए। ठीक है ऑटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीरियल किलिंग फॉर मॉन्स्टर्स ऑफ द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स हेड हॉक मैरमोट पेंजोलिन। ठीक है तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स। ठीक है प्रीडेटर्स से कैप्चर होने के चांस से रिड्यूस होने के लिए कौन से विच ऑफ द एवन ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स मतलब प्रोटेक्ट इट्स देयर वल्नरेबल पार्ट अपने वल्नरेबल पार्ट को कौन प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है तो हमारा कौन कौन से हैं पेंगोलिन हेडहॉग ये दोनों क्या हैं ये अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं रोल करते हैं ताकि वो प्रीडेटर से बच सके हेडहॉग एंड पेंजोलिन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ डॉग्स इज अनेबल टू बार्क। तो जो डॉग्स की वैरायटी है इसमें से कौन से हैं जो कि बार्क नहीं कर सकते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिंगो क्या है डिंगो जो है डॉग्स के वैरायटी होते हैं जो कि बार्क नहीं कर सकते हैं। डिंगोज आर कॉमनली फाउंड थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया ये ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एंड इन स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया के ग्रुप में भी पाए जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है कैनिस ल्यूपस डिंगो एंड डिंगोज जो है ये बार्क नहीं करते बट वुल्व्स के लाइक हॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट्स जो बियर कॉमन स्ट्रीट पे परफॉर्म करते हैं उसे कौन से बियर बोलते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लोथ बियर। स्लोथ बियर क्या होते हैं ये स्ट्रीट पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स दैट हैज बीन टाउट टू यूज लैंग्वेज विथ सम सक्सेस। इसमें से कौन से ऐसे एनिमल्स नहीं हैं जो कि लैंग्वेज टाउट किए जाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट अ मैन ह्यूमन फ्रॉम एप्स। एप्स से कौन सा प्रॉपर्टी जो है सेपरेट करता है ह्यूमन को तो एविंस अ डिजायर टू लर्न
सेकंड क्या है, बाय आर रूडिमेंट्री सेंस ऑफ स्मेल कॉन्ट्रेरी थंब ब्रॉडर चीन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ह्यूमन में डिजायर टू लर्न होता है, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं एप्स के प्रॉपर्टीज से। ह्यूमन क्या है, स्मार्टेस्ट क्रिएचर है एनिमल किंगडम में, और ये एक ऐसे क्रिएचर हैं जो कि जिसे कि डिजायर होता है लर्न का एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इज नॉट एन एप, तो इसमें से कौन से एप नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंगर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था, लंगूर, ऑप्शन नंबर सी। लंगूर क्या है, वो एक एप नहीं होते। एप क्या होते हैं, एप्स आर ह्यूमन्स क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स, ह्यूमन के क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं। दे डू नॉट हैव टेल्स, एप्स के पास टेल्स नहीं होते। इन द एनिमल किंगडम दे बिलोंग टू द ग्रुप सुपर फैमिली होमिनोइडिया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, गिबन, गोरिल्ला, ओरंगुटांस, चिंपैंजी एंड ह्यूमन्स। लंगूर इज द जनरल नेम गिवेन बाय न्यूमरियस स्पीसीज ऑफ एशियन मंकीज, एशियन मंकीज के द्वारा ये जनरल नेम गिवेन किया गया है। और ये क्या होता है, दे हैव लॉन्ग टेल्स एंड दे आर नॉट एप्स। लंगूर के पास लॉन्ग टेल्स होते हैं बट ये एप्स नहीं होते हैं। दे बिलोंग टू द सब फैमिली कोलोबिने, कोलोबिने सब फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, सबसे छोटा मैन लाइक एप क्या है, तो गिबन। गिबन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मैन है लाइक एप है, ये एप से बिलोंग करते हैं बट ये सबसे स्मॉलेस्ट हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड ओरंगुटान जो होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रेट एप्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंपैरेटिवली लार्ज साइज, ये साइज में बड़े होते हैं बट क्या होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं एंड ह्यूमन लाइक फीचर्स होते हैं। बट गिबन्स के क्या होते हैं कि स्मॉल साइज होते हैं और ये लेसर एप्स होते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट क्लीनेस्ट एंड जेंटलेस्ट मैन लाइक एप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द पैंडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ, पैंडा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बियर, कैट, रैबिट एंड डॉग, तो ए, बियर फैमिली से बिलोंग करते हैं पैंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट, तो कौन से एनिमल्स के पास थ्री चैम्बर्ड हर्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉग। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मंकी, क्रोकोडाइल, फिश। ठीक है, तो फ्रॉग के पास क्या है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एम्फीबियंस आर एंड मोस्ट रेप्टाइल्स हैव ए हर्ट विद थ्री चैम्बर, टू एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, थ्री चैम्बर होते हैं एम्फीबियंस के पास मोस्टली हर्ट के, जैसे कि दो एट्रिया होते हैं एंड सिंगल वेंट्रिकल होते हैं। ह्यूमन के पास जैसे फोर चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल होते हैं। उसी तरह एम्फीबियंस के पास थ्री चैम्बर्स होते हैं। द हार्ट ऑफ द फ्रॉग हैज थ्री चैम्बर्स, वन वेंट्रिकल एंड टू एट्रिया। फिश के पास क्या होते हैं, दो चैम्बर्ड होते हैं हार्ट के, और मंकी एंड क्रोकोडाइल के पास चार चैम्बर्ड होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, थ्री चैम्बर्ड किसमें, अभी हमने देखा कि एम्फीबियंस में पाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव गॉल ब्लेडर, इसमें से किसके पास गॉल ब्लेडर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है हमारा ऑप्शन, कैमल, जिराफ, फिश, रैट। ठीक है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ द डियर फैमिली इस एक्सेप्ट ऑफ द मस्क डियर। ठीक है, डियर फैमिली के सारे मेंबर्स जो कि सिर्फ मस्क डियर को छोड़ के, ऑल ऑफ द इक्वाइन फैमिली इंक्लूडिंग जेब्रा, कैमल्स, जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस, वेल्स, सम बर्ड्स सच एज डोव्स, रैट्स एंड सम फिश डू नॉट हैव गॉल ब्लेडर, तो इन सब के पास क्या होते हैं, गॉल ब्लेडर नहीं होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हुप्स आर नॉट फाउंड, किसमें हुप्स नहीं पाए जाते हैं, डियर में, जेबरा में, हॉर्स में, जैकल में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैकल में क्या होते हैं, हुप्स नहीं पाए जाते हैं। जैकल को एक छोड़ के सारे में हुप्स, सारे क्या हैं, हुप्स एनिमल्स हैं। जैकल क्या हैं, कैनिडे स्पेसीज हैं, ठीक है, स्पेसीज ऑफ कैनिडे। साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन जैकल क्या होते हैं, कैनिस ऑरिस। कैनिस ऑरिस क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। और जो जैकल के फिट होते हैं वो नेल से पैडर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नील गाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली, नील गाय कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, तो काऊ, शिप, गोट, डियर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डियर फैमिली से नील गाय बिलोंग करती है, ठीक है। नील गाय क्या है, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है, डियर लाइक स्पेसीज है। एंड एंटीलोप आर क्रिएचर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न्स। एंटीलोप के पास क्या होते हैं, परमानेंट हॉर्न्स होते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं। और मोर देन 90 स्पेसीज ऑफ द एंटीलोप्स हैं प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलते हैं, मैच लिस्ट वन इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पेसीज विथ लिस्ट टू साइंटिफिक नेम्स। तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ स्पेसीज हैं उसके साइंटिफिक नेम होते हैं कुछ कुछ, तो हमें मैच करना है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू से। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो हमारा लिस्ट वन में क्या इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पेसीज हैं एंड लिस्ट टू में साइंटिफिक नेम्स हैं। तो हमारा क्या है, पहला एशियाटिक वाइल्ड एस, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोसेलोफस ट्रैगो कैमिलस, ठीक है। तो सेकंड वाइल्ड लाइफ स्पेसीज क्या है, बारह सिंगा। थर्ड क्या है, चिनकारा एंड नील गाय। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए का क्या है, थ्री, एंड बी का क्या है, टू। ए का थ्री है, एशियाटिक वाइल्ड एस का क्या है, इक्वस हेमिनियस है। एंड सेकंड क्या है, टू का क्या है, टू ही है। तो सर्वस ड्यूबैसियली, ठीक है। बारह सिंगा क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सर्वस ड्यूबैसियली, ओके। एंड थर्ड का क्या, चिनकारा का गैजिला बैनिटी। और फोर नील गाय का क्या है, नील गाय का बोसिलेफस ट्रैगो कैमिलस। ये सारे साइंटिफिक नेम है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखते हैं कि करेक्टली मैच्ड ऑर्डर क्या है। एशियाटिक वाइल्ड एस का इक्वस हेमिनस, बारह सिंगा का सर्वस ड्यूबैसियली, चिनकारा का क्या है, गजेला बैनिटी, नील गाय का क्या है, बुसेलिफस ट्रैगो कैमिलस। ये सारे क्या है, साइंटिफिक नेम है, इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 46 क्या है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। जिसमें कि भी क्या है, हमारा मैच करना है। तो सिम्टम्स क्या है एंड क्रिएचर है, कौन से क्रिएचर में कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो देखते हैं हम एक एक करके। पहला क्या है, विंगलेस इंसेक्ट। सेकंड है फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स। लिम्बलेस रेप्टाइल्स कौन से, हमारा स्नेक हैं, ठीक है। एंड लंगलेस क्रिएचर कौन से हैं, तो इसमें देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा वन है, ए का क्या है, टू। तो ए का क्या है, विंगलेस इंसेक्ट का टू। जो विंगलेस इंसेक्ट क्या है, सिल्वर फिश किस में बिलोंग करते हैं, इंसेक्ट्स में। तो ये क्या है, सिल्वर फिश है, विंगलेस इंसेक्ट्स। फिर हमारा क्या है, बी का वन, फ्लाइटलेस बर्ड क्या है, कीवी जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है। लिम्बलेस रेप्टाइल्स क्या है, स्नेक्स क्या है, लिम्बलेस रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कीवी क्या है, एक स्पीसीज ऑफ वल्चर फाउंड इन अमेजन फॉरेस्ट ओनली। क्या स्पीसीज ऑफ वल्चर है, नहीं।
सेकंड क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड। अभी हमने देखा कि कीवी क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है। वनली कहाँ है, न्यूजीलैंड में सिर्फ पाए जाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये डेजर्ट स्नेक भी नहीं है। एंड फास्टेस्ट फ्लाइंग काइरोपेट्रन मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ऑर्गेनिक ऑरिजिन, तो कौन से हैं इसमें जो है ऑर्गेनिक ऑरिजिन है। तो कोरल क्या है, ऑर्गेनिक ऑरिजिन है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोरल्स क्या है, मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। कौन से क्लास के, एंथोजोआ ऑफ फाइलम स्नेडारिया, ठीक है। दिस दे टिपिकली लिव इन कॉम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मेनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स। और जो द ग्रुप इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करते हैं, इम्पॉर्टेंट रीफ बिल्डर्स जो दैट इनहैबिट ट्रॉपिकल ओशियंस एंड सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं हार्ड स्केल्टन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस क्या है, एन आर्थ्रोपोड है, एन इकाइनोडर्म है, अ मॉलस्क है, अ हेमिकॉर्डेट है। तो इसमें क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या, ऑक्टोपस क्या होते हैं, एक मॉलस्क फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सिफेलोपॉड मॉलस्क होते हैं, ऑफ ऑर्डर ऑक्टोपोडा ऑर्डर के होते हैं, और इसे डेविल फिश के भी नेम से जाने जाते हैं। इनके पास 2 eyes एंड 4 pairs ऑफ आर्म्स होते हैं, लाइक अदर सिफेलोपोड्स, ठीक है। ये बायलैटरली सिमेट्रिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट इज, तो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट कौन सा है, ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेली फिश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्क्विड क्या है, हमारे लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट हैं। इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वैसे एनिमल्स होते हैं जिसके पास बैकबोन नहीं होते हैं। द इन्वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन। द कोलोसल स्क्विड क्या होते हैं, हैव लार्जेस्ट, ये क्या है, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है। इसका इट्स मैक्सिमम साइज कितना होता है, 12 to 14 meters होते हैं। स्क्विड के हैं 12 to 14 meters इसके मैक्सिमम साइज होते हैं, और ये इसके पास बैकबोन नहीं होते, तो ये क्या है, इन्वर्टिब्रेट है, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, स्क्विड। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।